चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप हैं इस समय अंबेडकर चौक बल्लभगढ़ में। और आप ये देखें हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोसाइटी के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन अंबेडकर चौक स्थित किया जा रहा है। क्या वजह है ये जानेंगे हमसे। और आप चारों तरफ देखेंगे, एक बार कैमरा चारों तरफ दिखा दें कि पुलिस बल भी मौजूद यहाँ पर है और अंबेडकर चौक बल्लभगढ़ में इस समय मौजूद है। सर, अपना नाम के बाद अपने परिचय के साथ बताएं, क्या वजह है जो धरने और प्रदर्शन पर बैठे हैं आप लोग। मैं भवानी प्रसाद, प्रधान डॉक्टर अंबेडकर मिशन सोसाइटी, रजिस्टर्ड बल्लभगढ़ जी। आज इस देश के अंदर दलितों के साथ में जो माँ बहनों के साथ में रैप होते हैं, दलितों को सरेआम मारा जाता है और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और आज जो ये मनुवादी सरकार है, इस मनुवादी सरकार ने देखा, अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, इन्होंने देखा कि जिन दलितों को हम बेवकूफ बनाते थे वो लोग अब बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। उन्होंने पहली बार इस देश के अंदर अपने मत अधिकार का बाबा साहब के बताए हुए दिशा निर्देशों पर किया है कि जो सरकार बाबा साहब से टकराएगी, ये दलित समाज वोट के माध्यम से उनको करारा जवाब देंगे और उनकी औकात को बताएंगे कि तुम्हारा कारण क्या बना। हमें हम और आप सभी बैठे हैं आज विरोध प्रदर्शन, पूरा भारत बंद का आह्वान है। मतलब कारण क्या वो? कारण यही है, कारण को पता चले। कारण ये है कि दलित समाज ने अपने मताधिकार का लोकसभा चुनाव में खुलकर उपयोग किया और सही जगह अपना मतदान किया। इस मतदान से भारतीय जनता पार्टी भौखला गई और उन्हें मालूम हुआ कि दलित समाज तुम्हारे हाथ से बाहर जा चुका है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सारा लेकर के और दलितों को बाबा साहब के द्वारा बताए हुए संविधान का जो आरक्षण मिला हुआ है उसे कुचलने का काम किया। और दलित जो भाई हैं, एक तो हिंदू धर्म में हजारों जातियां हैं, लेकिन इन्होंने बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट ने तो हद ही कर दी। जो दलित समाज है उनके अंदर भी और जातियां जोड़ने का, वंचित समाज बनाने का नारा दे दिया। कभी इन्हें अछूत कहा जाता है, कभी दलित कहा जाता है, कभी चमार कहा जाता है, कभी चमार चूड़ा कहा जाता है, कभी हरिजन कहा जाता है, कभी जाट कहा जाता है। और जो सरकार आती है वो अपने माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा घिनौना काम किया है जो दलित समाज। मेहमानी ने सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं होगी, समझ न। देखिए आप समझिए, आप अपनी बात कोर्ट पर टिप्पणी ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पूरे देश के अंदर भारत बंद है और इस भारत बंद के लिए आज हम यहाँ चौक पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचेंगे और सेक्टर 12 डीएम साहब को अपना ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन देंगे, अपना रोष प्रकट करेंगे। एक सवाल है, टेक्निकल सवाल है, आप लोग आप आगे आ जाइए सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपसे निवेदन आगे आ जाइए। तो सर आपसे सवाल है कि जो कैटेगरी बनाई गई है, जैसा कि थोड़ी सी जानकारी है, उसमें समस्या कहाँ आ जाती है जो कि सब लोगों को पता चलना चाहिए, समस्या क्या आ जाती है, परिचय जोड़ दीजिए। मैं गजेंद्र सिंह, डॉक्टर अंबेडकर मिशन सोसाइटी का कैशियर हूँ और साथियों मैं बताना चाहता हूँ आज के मीडिया के माध्यम से कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है एससी जो हमारा आरक्षण मिलता है 22.5%, उसमें उन्होंने उसको बांटने का काम किया है, वर्गीकरण का काम किया है। मतलब हमारी जो जातियां हैं उसमें जाटव है, वाल्मीकि है, धानक है, कोली है, जितनी सारी जातियां हैं उसमें वर्ग उपजाति बनाकर हमारे आरक्षण पर उन्होंने मार करने का काम किया है। दूसरा क्रिमिलेयर जो लाए हैं, जैसे कि आपने ओबीसी में देखा होगा अति पिछड़ा वर्ग करके उनको बांटने का काम किया है। इसी तरह ये हमारे दलित समाज में जो कि अभी हमें आपस में भाईचारा है, या वाल्मीकि हो, धानक हो, या कोई भी हमारे ऐसी समाज जितनी जाति आती है, लेकिन उनको बांटने और लड़ाने का काम ये कानून करेगा। हम सरकार से मांग करते हैं जिस तरह से 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और संसद ने कानून बनाकर उस फैसले को रद्द किया था, हमारी सरकार से मांग है कि जो ये 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का वर्गीकरण का फैसला संविधान के खिलाफ आया है, क्रिमिलेयर का फैसला आया है, तो इसको संसद में
पास करके फैसले को रद्द किया जाए। आप ये चाहते हैं कि दलित समाज जो है वो इकट्ठा ही रहे, ये कह रहे हैं। इसमें वर्गीकरण बात वो न किया जाए, कैटेगरी न बनाई जाए। अलावा भी और भी हमारी बहुत सी मांगे हैं, जैसे कॉलेज में सिस्टम है, जैसे आप देखते हैं जुडिशी में देखते हैं, जैसे हमारे यूपीएससी का पेपर होता है, लेकिन जुडिशी में बिना उसके क्रिमिनल उस जज बना दिया जाता है, कोई भी पेपर नहीं होता। अब पिछले अभी आपने देखा होगा कल भी सरकार ने आपसे एक सवाल है, आपसे सवाल है, आप लोग प्रधान कैशियर सब ये संगठन चलाते हैं बड़ा, और संघ कोई भी और कहना चाहे तो आ जाए आगे जी। देखिए कोई भी अगर अपनी बात कहना चाहता तो आगे आ जाए, कोई ऐसा नहीं हम किसी तरफ सुने। लेकिन सर आपसे सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि अब की बार दलित समाज ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, बीजेपी को पता चल गया इसलिए ऐसी काम है, ये कह रहे हैं ना आप, तो अब की बार दलित समाज किस ओर रहेगा, क्योंकि हरियाणा में चुनाव में सवाल इसलिए आपसे भी है। इसका जवाब तो आने वाली 1 अक्टूबर को मिलेगा। सर ऐसा तो नहीं कि दलित समाज किसी के कहने पर बैठा हो, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है इसलिए मेरा सवाल। दलित समाज तैयार बैठा हुआ है, जो दलितों के हकों की बात करेगा, दलित समाज के साथ जाएगा, और 1 अक्टूबर को ये दलित समाज पूरे हरियाणा में बता देगा कि दलित समाज की क्या ताकत है। 1 तारीख से पहले, चुनाव से पहले हमारी एक बहुत बड़ी पूरे जिला लेवल पर महापंचायत होगी। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो दलित समाज बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार रहेगी। अगर फैसला नहीं दिया, इसको कानून बना के वापस नहीं लिया गया, तो दलित समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा, इसके खिलाफ जाएगा। एक बार आप जो सभी बैठे एक बार हाथ उठा करके कहें जो इन्होंने कहा, इनकी बातों का समर्थन करते हैं आप देखिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीर। हमने सबसे हाथ उठवा करके इसलिए पूछा है क्योंकि सबसे पूछ पाना मुश्किल है, सबसे बातचीत कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो दो ही व्यक्ति ये आप दिखा रहे हैं। एक बार दिखा जी, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए आप, प्रधान जी हाथ लगा दो आप, ये देख रहे जूम कर, आप एक बार जूम कर लीजिए, आप देखें कि उपवर्गीकरण क्रिमिनल वाले निर्णय के विरोध में मांग पत्र, आज ये माननीय जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश भारत की, उनको ज्ञापन सौंपेंगे, उनके डीसी साहब को देंगे, डीसी साहब को उनके लिए ज्ञापन सौंपेंगे कि डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन उनके पास जाए, और ये चीजें आप इनके खिलाफ में इनका विरोध है जी। माननीय राष्ट्रपति जी भी आज फरीदाबाद में उनका आगमन है, अगर प्रशासन हमें अनुमति देती है, 11 आदमी हमारी 21 आदमी की जो भी कमेटी अगर उनसे मिलने का समय देती है तो हम डीसी साहब को ना देके ज्ञापन डायरेक्ट, ये भी हमारी प्रशासन से मांग है कि आज YMCA कॉलेज में दीक्षा भारत बंद की बात है, जैसे भारत बंद की बात है लेकिन कहीं असर दिखाई नहीं दे रहा भारत बंद का, सुचारू रूप से सारी चीजें चल रही है और इसमें आप लोगों का सहयोग है सबसे बड़ी बात। जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो हम समझते हैं, लेकिन हम सरकार के साथ हैं, और दलित समाज ने कभी भी भारत में ना तोड़फोड़ की है ना। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आप लोगों के सहयोग से अच्छा चल रहा है, तारीफ कर रहा हूँ। हमारा 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 प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, और आपसे अपील की जाती है, प्रशासन को अपील है कि हमारे बीच में कोई अफसर आकर के फैलाता है तो उसे भी तुरंत पकड़ने का काम करें। चलिए धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात, आज के समाज में इस तरीके की बात आना बहुत जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के प्रधान और कोषाध्यक्ष ने अपील की है सबसे हाथ जोड़ करके, खास करके दलित समाज और अन्य वर्गों से, कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से तो अपनी बात कहें, कहीं भी किसी प्रकार की कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि कोई बात बिगड़े, और ये सबके हित की बात है, सारे समाज के लिए, पूरे जो जो लोग इस संसार में हैं या देश में हैं या दलित समाज के अन्य वर्गों के लोग हैं उन सब के लिए अच्छी बात है कि शांतिपूर्ण तरीके से रहना भी चाहिए। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे कभी कि देखिए सभी की बात सुनी भी जाए, जायजोत को पूरा करें। जब तक भारत सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जो दलितों से टकराएगा, जो दलितों से टकराएगा, जय भीम, जय भीम। Oh!